पोको एम टू की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या स्पेसिफिकेशन 100% कंफर्म है, हवा में बात नहीं करने वाला, इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो। देखो यार, पोको एम टू का जब अनाउंस हुआ था, नाम ही अनाउंस हुआ था कि हम पोको एम टू लॉन्च करने वाले, मैंने वीडियो बना दी और तभी बता दिया था कि इस फोन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाले, और वही अब कन्फर्म्ड हो चुका है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये रीब्रांडेड फोन होने वाला है रेडमी 9 प्राइम, जो कि इंडिया में है, और जो चाइना में रेडमी 9 के नाम से गया था वो फोन होने वाला है, ये बात मैंने पहली वीडियो में बता दी थी, लेकिन अब बिल्कुल कन्फर्म्ड हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बताता हूं, थोड़े से स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं क्या होने वाले हैं। तो यहां पर इसकी लॉन्च डेट तो आपको पता ही होगी, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो ये आपका 8 सितंबर में, हां सितंबर, पहले मैंने यार अगस्त बोल दिया था, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो बैक में आपको क्वेड कैमरा देखने को मिलेंगे, 4 कैमरा। पहला जो होगा वो 13 मेगापिक्सल का होगा, दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा, तीसरा जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, बैक में कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक होने वाला है, ओरा डिज़ाइन में होने वाला है, जैसे कि आपको रेडमी 9 प्राइम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आपको कलर्स जो है वो कुछ डिफरेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको रेडमी 9 प्राइम में कलर्स देखने को मिलते हैं, उससे कुछ डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है ड्यूल टोन में आपको कलर वगैरह देखने को मिल जाए। फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको रेडमी 9 प्राइम देखने को मिलता है। और इसमें जो चेंज होने वाला है, सबसे बड़ा चेंज वो होने वाला है, इसका बेस वेरियंट जो है वो 6 GB रैम से शुरू होने वाला है। मतलब आपको ये Redmi 9 Prime जो है वो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ये मिलेगा आपको 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट, इससे छोटा कोई वेरिएंट नहीं होने वाला है। और दूसरा चेंज जो होने वाला है इसमें देखने को मिलेगा MIUI 12 फॉर पोको, तो पोको के लिए MIUI 12 होने वाला है। और साथ में एक बड़ी चीज़ होने वाली है कि इसमें आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि MIUI 4 पोको जो होता है उसमें एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, रिकमेंडेशन वगैरह भी ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट आपको हटे हुए देखने को मिलते हैं एड्स। तो काफ़ी कम मार्जिन पर ये पोको स्मार्टफोन लॉन्च करता है, क्योंकि भाई साहब जो भी R&D वगैरह का खर्चा था वो तो सब Xiaomi कट चुके हैं, बस इनको तो ठप्पा लगा कर बेचना है, तो इनका वो खर्चा बच जाता है। तो फिलहाल पोको का ये फ़ोन आने वाला है रेडमी 9 प्राइम बन गया। तो इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो डिस्प्ले इसकी फुल HD प्लस की होने वाली है, जो कि 6.53 इंचेस की होने वाली है, और आपका स्क्रीन रेशियो जो है होने वाला वो होने वाला 19.5:9 का, और बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपका ये Redmi 9 Prime ही होने वाला है। तो जो Redmi 9 Prime ले चुके हैं उनके साथ हो चुका है बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि आपको उसी प्राइस में जो है वो आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी जो होने वाली है वो 10,000 से शुरू होने वाली है। 10,000 में आपको 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, और आपने Redmi 9 Prime ले लिया 4,64,10,000 में, वो भी एड्स के साथ। तो क्या लगता है, 2 मिनट साइलेंस रखते हैं Redmi 9 Prime यूजर्स के लिए, तो नीचे कमेंट करना, और ये वीडियोस देख लिया आप, ये वीडियोस भी देख सकते हो।